आपकी साइज लगभग कांस्टेंट हो जाती है, जैसे कि क्रोमियम से कॉपर तक लगभग इन सब की साइज बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो भी इतना कम डिफरेंस कि उसको डिफरेंस नहीं माना जाता, सबकी साइज सेम है, तो ऐसा क्यों होता है? और लास्ट वाले एलिमेंट की साइज एकदम से बढ़ जाती है, ऐसा क्यों? तो यही आपको देखना है। पूछ भी लिया जाएगा कि जिंक की साइज कॉपर से बड़ी क्यों हो गई, या फिर ऐसा पूछ लेंगे कि एक्सप्लेन द एटॉमिक रेडियस व्हाई फर्स्ट डिक्रीजेस देन बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट और फाइनली एट लास्ट देन इंक्रीजेस, ये कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ऐसा क्यों होता है, वेरिएशन पकड़ना है आपको, क्योंकि इसका वेरिएशन पकड़ लोगे आप तो दूसरी प्रॉपर्टीज का भी वेरिएशन आपसे बन जाएगा। तो हम ये सब चीज़ें देखते हैं ऐसा क्यों होता है ना। तो हमारी हेडिंग है एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। तो देखिए बच्चों, पहले समझ लेते हैं फिर करते हैं। पहले हम आपके लिए एक छोटा सा डायग्राम ग्राफ बना दें, फिर चल रहे हैं। एक ग्राफ आप भी बना सकते हो हमारे साथ, है ना। जैसे कि हम अपना आइडियल एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं फर्स्ट वाली सीरीज को, ठीक है। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर लिख दे रहे हैं हम, एटॉमिक नंबर दैट इज जेड, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इस साइड एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर आपकी चाहे यहाँ एटॉमिक नंबर लिख दें, यहाँ साइज लिख दें, हाँ तो ये बेटर रहेगा। यहाँ लिख दो, घटती जाएगी यहाँ एटॉमिक नंबर, हाँ ठीक है, चलो यहाँ लिख दो रेडियस, कोई दिक्कत नहीं आनी उससे, रेडियस या साइज। तो हम अपना पहला एग्जाम्पल अपनी आइडियल सीरीज मान के चल रहे हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो देखो कुछ ऐसा होगा, पहले साइज डिक्रीज होगी, फिर ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट हो जाएगी, और फिर लास्ट में फिर इंक्रीज होगी। ये है आपका ग्राफ। तो फर्स्ट साइज स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक डिक्रीज होती है, फिर क्रोमियम से कॉपर तक ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। देखो ये पहले डिक्रीज हुई, फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट, देखो सबकी साइज एक सी आ रही है, और फाइनली एट लास्ट में इंक्रीज हो जाती है। ये हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप पूरे एलिमेंट भी लिख सकते हो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, पूरे भी लिख सकते हैं हम। तो ये इसका ग्राफ हो गया। अब यही देखना है ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, हमको यही देखना है। और यही वेरिएशन दूसरी सीरीज भी फॉलो करती हैं। तो हमने अपना एक सीरीज को आइडियल मान लिया और उससे हम समझते हैं, ठीक है। हाँ सिस्ट्री, कोई डाउट? अभी समझा ही नहीं तो डाउट कहाँ से आएंगे, समझेंगे तब डाउट आएंगे। वैसे कुछ भी डाउट नहीं आने वाला है आपको। देखते हैं, ठीक है, ऐसा क्यों होता है। आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एन माइनस वन डी वन टू टेन एन एस वन टू टू। जैसे कि इस सीरीज के बारे में बात कर ले तो थ्री डी वन टू टेन फोर एस वन टू टू, मतलब हर बार जो नया इलेक्ट्रॉन आता है वो किस में जाता है, थ्री डी में, और ये वाली फुलफिल्ड अपनी शांति से बैठी रहती है एक दो क्रोमियम और कॉपर को छोड़ के। अब आप लोगों को इसका डायग्राम समझना है बच्चों, उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जे है आपका, मान लीजिए इन एलिमेंट्स का स्फेरिकल ऑर्बिट बना दिया हमने, ठीक है, आपका ये जे बन गया है इनका ऑर्बिट। आपको बिल्कुल यहीं से समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है, बड़ा सिंपल है। तो ये हमने इनका स्फेरिकल ऑर्बिट बना दिया और दो ऑर्बिट बना दिए, जिसमें से एक ऑर्बिट है आपका n माइनस वन डी का और दूसरा किसका है, ns का, ठीक है। और यहाँ बना दिया बीचों बीच हमने सेंटर में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या रहते हैं, प्रोटॉन, पता है ना सबको, न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन, इसलिए उसका चार्ज कैसा था आपका, पॉजिटिव। अब आप लोग बताइए, जैसे इसका एग्जाम्पल ले लें,
तो इसमें से 3D वाला ऑर्बिट कौन सा होगा और 4S वाला ऑर्बिट कौन सा होगा? सीधी बात है, 3D वाला अंदर वाला होगा और 4S वाला बाहर वाला, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब ये वाला जो ऑर्बिट है, जो ए है, ये है आपका n-1d का। फॉर एग्जाम्पल हम इस सीरीज के केस में इसको क्या मान सकते हैं, 3D। और इस ऑर्बिट में हमें कहाँ से कहाँ तक इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है। और ए वाला जो ऑर्बिट है, ए वाला, ए ऑर्बिट किसका है, ns का। और इस वाले सीरीज के केस में इसको हम क्या मान सकते हैं, 4s मान सकते हैं ना, 4s। और इसमें इलेक्ट्रॉन या तो 1 रहेंगे या फिर 2 रहेंगे, है ना। इतना अभी हमने समझा। अब देखना बच्चों क्या चल रहा है, हो क्या रहा है आखिरकार, ठीक है। हमेशा जो अट्रैक्शन में आप साइज देखते हो, वो साइज न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे देखते हो। तो मान लीजिए जे एस के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, एक पड़े हुए हैं, दो पड़े हुए हैं, एक वहाँ कहीं घूम रहा है, एक यहाँ कहीं घूम रहा है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा। ये है स्कैंडियम, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, लास्ट में क्या आता है, 3D1 4S 2। अभी डी में सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, कोई दिक्कत नहीं, एक इलेक्ट्रॉन है और ये अंदर प्रोटॉन रखे हुए हैं। ये प्रोटॉन क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। अब प्रोटॉन जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो साइज क्या होगी, डिक्रीज। अब हम स्कैंडियम से किस में आ गए, टाइटेनियम में, एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 22। तो एक प्रोटॉन बढ़ गया और साथ में ही एक और क्या बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन से इस न्यूक्लियस और इसके बीच में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन एक प्रोटॉन और बढ़ गया तो ये और खींचेगा इसको, तो साइज फिर और डिक्रीज हो जाएगी स्कैंडियम से टाइटेनियम के केस में। जब स्कैंडियम से टाइटेनियम के केस में आएंगे तो साइज और डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर टाइटेनियम के बाद आए हम वैनेडियम में, तो 23 हो जाएगा। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, साथ में एक प्रोटॉन और। अभी भी इन इलेक्ट्रॉनों से इनके बीच में कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो एक प्रोटॉन आने से इसमें और प्रोटॉन बढ़ गए और पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन को और खींचेगा तो और साइज छोटी होगी। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम में वैनेडियम, ठीक है ना। फिर आ गए हम कॉपर में, ये कॉपर में एटॉमिक नंबर 24। इसका अगर हम करेक्ट लिख दें तो 3D5 4S क्रोमियम। इसका करेक्ट लिख दे तो 3D5 4S 1। इसका मतलब है कि अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 5। ये डी में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए आपके, और एस में कितना है, एक आपका एक ही बचा। अब दो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए आपके और प्रोटॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही बढ़ा है, एक ही प्रोटॉन बढ़ा है, वो दो अंदर इसलिए आ गई क्योंकि एक एस का उठ के आ गया। तो अभी भी इस वाले न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसने और खींच लिया, तो ये साइज और डिक्रीज हो गई। तो स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक हम ये देख रहे हैं कि अंदर की सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, 21 से 22 हो गए, फिर 3, फिर 24, ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं अंदर की सेल में। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जितना बढ़ रहा है उतनी न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहा है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों के बढ़ने से इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई फर्क नहीं आ रहा है, तो ये न्यूक्लियस लगातार इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते जा रहा है, तो साइज क्या हो रही, छोटी। लेकिन अब क्रोमियम के बाद मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर का देखना है आपको क्या होना है। अब ये 25, 6, 7, 8 और 9। अब जो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वो यहाँ बढ़ना चालू हो जाते हैं यहाँ पर। तो अब आए हम मैग्नीज में, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ा आपका। अब ये क्या है, ये जितना इलेक्ट्रॉन ये पूरा अंदर का हो गया और जितना ये न्यूक्लियर चार्ज हो गया, ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज अपने आप को क्या कर लेता है, बैलेंस, पूरा चार्ज कैंसिल हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वहीं रुका रहता है, तो साइज क्या हो गई, कॉन्स्टेंट। अब फिर से एक और इलेक्ट्रॉन आया तो एक प्रोटॉन भी आया, फिर से इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो फिर कैंसिल हो गया। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम के बाद मैंगनीज आया, फिर मैंगनीज के बाद आयरन आया, आयरन के बाद कोबाल्ट आया,
कोबाल्ट के बाद फिर निकल आया और फिर कॉपर आया। तो निकल तक यही खेल चलता रहता है कि अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है और यहाँ पर एक कोई गिन के नहीं बनाने आपको इलेक्ट्रॉन, हम समझा रहे हैं आप कैसे ही बना सकते हो। अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा और एक एक प्रोटॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, एक दूसरे को कैंसिल करते जाते हैं। तो कैंसिल जब करते जाते हैं तो ना साइज घटती है ना बढ़ती है, साइज क्या हो जाती है कॉन्स्टेंट। तो क्रोमियम से कॉपर तक यही खेल चलता है, लेकिन लास्ट में जो जिंक होता है ना, जिंक देखिए तो वो कितना हो जाता है 3d10 और 4s क्या हो जाएगा 2। तो जब लास्ट में जिंक 10 हो जाता है तो फिर ये जो पूरी सेल होती है ये अपने आप को स्टेबल कर लेती है। 3d में 10 होती है अपने आप को क्या कर लेगी स्टेबल, और पूरा एक चक्कर बनाती है यहाँ से यहाँ तक, पूरा ऐसा चक्कर बना लेगी और इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को घेर लेगी जिंक के केस में, और इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को बाहर जाने ही नहीं देगी, पूरा यहीं पर रोक लेगी इसके अट्रैक्शन को, इसका अट्रैक्शन यही सीमित कर देगी, अब ये बाहर नहीं जा पाएगा। तो जब अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेगा, दूर की तरफ, और जैसे ये दूर की तरफ भागेगा तो साइज क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। हम एक बार और समझा रहे हैं, पहले क्या होता है स्कैंडियम से क्रोमियम तक जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये न्यूक्लियस इसको खींचता जाता है तो साइज आपकी छोटी होती जाती है स्कैंडियम से क्रोमियम तक। फिर लेकिन जब क्रोमियम के बाद कॉपर तक इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो इस साइड आना चालू कर देते हैं, तो जितना इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज बढ़ता है उतनी प्रोटोन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है। जैसे आप 22 से 20, जैसे आप यहाँ से क्रोमियम 24 से 25 में आए तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो एक प्रोटोन भी बढ़ा, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस करते जाते हैं कैंसिल। एक खेल क्रोमियम से लेके कॉपर तक चलता है तो ये साइज आपकी कांस्टेंट हो जाती है। लास्ट में क्या होता है जब डी अपने आप को स्टेबल कर लेता है तो यहाँ बहुत स्ट्रांग स्टेबिलिटी का सर्कल बनाता है और इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को यहाँ नहीं जाने देता, इसको रोक लेता, इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। द इफेक्ट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। ये सबसे खराब पाया जाता है एफ सेल में। तो अब क्या होगा, ये जब स्क्रीन आ जाएगी इसके बीच में तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट में नहीं जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा खिंचक जाएगा थोड़ा, तो साइज क्या हो जाती है बढ़ जाती है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ये क्योंकि इसी से आपके आगे भी चलेगा। एक छोटा सा एक गोला टाइप कहीं पर बना लो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना, फिर हम आपको लिखवा देते हैं पूरा। एक बार और हम समझा देंगे बाद में, पहले अभी लिख लीजिए। ये ऐसी चीज़ें हैं कि एक है सिंपल लेकिन एक आध बार में समझ में नहीं आती, बार बार सुनाना पड़ेगा हमें आपको तब, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन अंदर आते जाते हैं ना, इससे जो स्क्रीन बनती है इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। थ्री टू फाइव मतलब गलत बना सकते, इतना गलत नहीं, मतलब 8 कर दो, 9 कर दो, 7 कर दो, लेकिन 11 नहीं करो बच्चों, है ना। बाकी काउंट करके नहीं बनाने हैं आपको, ये भी नहीं स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में भी नहीं बनाना है, ये वाला मेन बनाना है आपको, ये ग्राफ वाला, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अपने हिसाब से बना लो जिसमें आपको समझ में आ जाए कि सर ने क्या बताया था, जरूरी नहीं है कि जैसा हम बता रहे वैसा, अपने हिसाब से फिर समझने लायक बना लो इसे, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी तो दिमाग में समझ में आ गया तो आ गया। मैंने ये याद रखना है कि स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक डिक्रीज, फिर यहाँ तक ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, फिर फाइनल लास्ट में इंक्रीज होती है, ये मेन चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अब लिखते हैं।
तो इसको लिख लेंगे ना तो और अच्छे से हमें समझ में आएगा क्या चल रहा है। तो ये आना चाहिए आपको, है ना। बन गया प्रमोद जाओ भाई फास्ट। तो वो समझने में आप चाहे पूरा 1 घंटा लिखो, लिखना इसलिए थोड़ा तेज चालू करो क्योंकि फिर एग्जाम में भी तो ये परेशानी करेगा। नहीं तो आप लोगों के एक भी टेस्ट नहीं हुए, गवर्नमेंट स्कूल में बेस्ट लाइन टेस्ट हो गया और आज आज से मंथली टेस्ट भी है। मंथली बेस्ट लाइन टेस्ट में उनके मतलब पीछे के क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे 12th वालों से पूछे गए थे 11th और 10th के, 11th वालों से पूछे गए थे 9th 10th के, और 10th वालों से पूछे गए थे आपके 8 9th से 7 8 9th। और हाँ नहीं 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 वो बेस लाइन मतलब उसका नाम ही है कि बच्चा कहीं पीछे का भूल तो नहीं गया, बेस लाइन टेस्ट। और आज उनका मंथली टेस्ट है, 5 5 टेस्ट आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट बहुत तैयारी से चल रही है गवर्नमेंट बच्चों के साथ, बिल्कुल उनको पढ़ाई पे बिल्कुल पकड़ लिया है। हाँ रोज जाते हैं, अरे तो जाना नहीं पड़ेगा। नहीं भोपाल से आते हैं, उत्कृष्ट में होते हैं, फिर उत्कृष्ट विद्यालय से लेके जाते हैं प्रिंसिपल सर, लॉक रहते हैं, सील खुलती है फाइनली लास्ट में। चलिए ठीक है, तो ये डायग्राम हो गया, अब लिखते हैं हम, ठीक है ना। हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को अपना आइडियल एग्जाम्पल मान के चलेंगे, बाकी सब में भी लगभग ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो लिखिए इन ईच सीरीज, प्रत्येक सीरीज में, इन ईच अब अच्छी बात नहीं, इन ईच सीरीज फर्स्ट आवाज़ नहीं प्रमोद, इन ईच सीरीज हर एक सीरीज में फर्स्ट एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स बात नहीं फर्स्ट एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स इन ईच सीरीज फर्स्ट एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स डिक रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन रखे हैं, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ड्यू टू इंक्रीज इन अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट लिख सकते हो, बैलेंस सेल लिख सकते हो, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में लिख लेंगे, लाइक फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम, लाइक फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम। तो सबसे पहले क्या होता है, हर एक सीरीज में आपकी साइज डिक्रीज होती जाती है क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन में। जैसे कि हम फर्स्ट सीरीज का एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, स्कैंडियम से क्रोमियम तक। तो इन ईच सीरीज प्रत्येक सीरीज में जैसा कॉन्सेप्ट इस सीरीज में चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, वैसा ही इसमें यहाँ से यहाँ तक, वैसा ही इसमें यहाँ से यहाँ तक, वैसा ही इसमें यहाँ से यहाँ तक कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका। तो प्रत्येक सीरीज में पहले एटॉमिक साइज जो एलिमेंट्स की वो डिक्रीज होती है आपकी। इसका कारण ये है, डिक्रीज क्यों हो रही, क्योंकि दूसरी चीज़ इंक्रीज हो रही है, वो क्या है, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस।
अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस किस वाले इलेक्ट्रॉन पे, सबसे बाहर रखे इलेक्ट्रॉन पे, ऑन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। और हम इसको समझ सकते हैं फर्स्ट सीरीज के एग्जांपल से, लाइक फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम। पहला पॉइंट क्लियर, सबको क्लियर हो गया। अब क्या होने वाली है, कॉन्स्टेंट, क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्सन एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। तो साइज मिडिल में क्या होती है, लगभग इक्वल होती है, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होती है। तो अब लिखिए लाइन चेंज करके, इन अ मिडवे बीच रास्ते में, बीच के सफर में, इन अ मिडवे द साइज ऑफ एलिमेंट्स, द साइज ऑफ एलिमेंट्स इन अ मिडवे द साइज ऑफ एलिमेंट्स becomes almost constant, becomes almost constant in a midway, the size of elements become almost constant as attraction and repulsion balance each other in a midway, बीच में, बीच रास्ते में, बीच के सफर में, बीच की सीरीज में, द साइज ऑफ एलिमेंट, तो एलिमेंट की साइज है, बिकम ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, जैसे कि अट्रैक्शन और रिपल एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो ये जो बीच का रास्ता है, यहाँ से यहाँ तक आपकी साइज कॉन्स्टेंट हो जाती है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन बढ़ता है उतना ही न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता है, तो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, जिससे हमारा यहाँ पर ना साइज छोटी होती है ना ही बढ़ती है। तो बीच में हमारा क्या हो जाता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन एक सा हो जाता है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है या एक दूसरे को बैलेंस कर सकता है ना, कर देता है। लाइक फ्रॉम क्रोमियम टू कॉपर, लाइक फ्रॉम क्रोमियम टू कॉपर, जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, क्रोमियम से लेके कॉपर तक। अब लास्ट में क्या होगा, कौन डोमिनेंट हो जाएगा, रिपल्सन, क्योंकि डी सेल कैसी हो जानी है, फुलफिल, तो रिपल्सन डोमिनेंट हो जाएगा अट्रैक्शन पे। तो अगर रिपल्सन डोमिनेंट हो जाएगा अट्रैक्शन पे, तो साइज क्या हो जाने वाली है, इंक्रीज हो जाने वाली है। आपको ये ध्यान रखना है, रिपल्सन में चीज़ें दूर भागेगी ना। फिर लाइन चेंज करके लिखिए, फाइनली एट लास्ट, सबसे आखिरी में, एट लास्ट साइज ऑफ एलिमेंट गेट्स इंक्रीज एज रिपल्सन डोमिनेट्स ओवर अट्रैक्शन, रिपल्सन डोमिनेट ओवर अट्रैक्शन, ब्रैकेट में लिख लीजिए, लाइक इन केस ऑफ जिंक,
लाइक इन केस ऑफ जिंक. फाइनली एट लास्ट साइज ऑफ एलिमेंट गेट्स इंक्रीज एज रिपल्सन डोमिनेट्स ओवर अट्रैक्शन. फाइनली लास्ट में ये जो रिपल्सन होगा, जो स्क्रीनिंग होगी, ये इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इसके अट्रैक्शन को वहीं तक जाने नहीं देगा, तो इसका रिपल्सन बढ़ जाएगा, तो ये कहाँ खिंच जाएगा, पीछे की तरफ, तो साइज क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी. पढ़ लो इसको जल्दी से, कहीं कोई डाउट हो पूछ लो. बड़े आराम से इस चैप्टर को एंड करेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होना, कोई जल्दबाजी नहीं, बड़े आराम से आपको इस चैप्टर को समझना है. अरे ये काउंट ऐसे नहीं बेटा, बहुत है उसमें. अरे तुम काउंट आउंट मत, कि तुमसे पढ़ने पे ध्यान दिया करो, बाकी टेंशन हमारे पास रहने दिया करो. पढ़ लो पूरी लैंग्वेज, अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है तो आप बड़े आसानी से उसको कर जाओगे. आपको समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है. लैंग्वेज को पढ़ने से अगर आपको फीलिंग समझ में आ रही है कि हो क्या रहा है, तो समझ लो आपको टॉपिक याद हो जाएगा. फर्स्ट साइड डिक्रीजेज, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे. देन साइज बिकम्स कॉन्स्टेंट एज अट्रैक्शन और रिपल्सन बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं. यहाँ से यहाँ तक जो अट्रैक्शन होता है, जो अट्रैक्शन होता है वो बिल्कुल बराबर हो जाता है रिपल्सन के, रिपल्सन के, है ना. और यहाँ से यहाँ तक अट्रैक्शन ज़्यादा होता है ओवर रिपल्सन, अट्रैक्शन ज़्यादा होता है ओवर रिपल्सन, है ना. ये कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए. यहाँ से यहाँ तक अट्रैक्शन ज़्यादा होता है इसलिए साइज छोटी होती है, यहाँ दोनों बराबर जाते हैं, और यहाँ पर रिपल्सन डोमिनेट कर लेता है अट्रैक्शन को, तो यहाँ रिपल्सन ज़्यादा हो जाता है ओवर अट्रैक्शन. बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है. समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, चले आएंगे. यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा, यहाँ दोनों बराबर, वहाँ रिपल्सन ज़्यादा. अब कुछ स्पेसिफिक बातें आपको ध्यान रखनी है जो अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है. वो क्या, देखिए, जैसे हमने इससे कह दिया, मान लीजिए इन सबसे दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इनके डी में कितने होते हैं 1 to 10, और एस में कितने होते हैं 2. अब एस के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अब सबके पास डी सेल ही बची अंदर, सबके पास डी सेल ये यहाँ पर, तो अब अट्रैक्शन कहाँ लगना है, डी सेल में ही लगना है सीधे, एस में तो लगना नहीं. तो देखिए इनकी एटॉमिक रेडियस में तो बहुत सारा आपका कॉन्सेप्ट था, लेकिन इनकी आयनिक रेडियस में ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है. कैसे याद रखनी है आपको, देखिए आप इसको स्टार लगा के आपको धरना है याद. इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है ना. जो इसके पहले लिखा वो आपको याद रखना है. ये आपका एटॉमिक नंबर, जिसको आप जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और यहाँ रेडियस नहीं, यहाँ रेडियस ऑफ प्लस टू लिख रहे हैं. प्लस टू मतलब स्कैंडियम प्लस टू, टाइटेनियम प्लस टू, इनने एस के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, सब में प्लस टू. तो इनकी जो प्लस टू की रेडियस होती है उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ये लगातार डिक्रीज होती है, लगातार. इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि स्कैंडियम तक क्रोमियम तक डिक्रीज होगी, फिर क्रोमियम से कॉपर तक कॉन्स्टेंट होगी, फिर कॉपर से जिंक, ये है एक्सेप्शन. लास्ट बिस में जिंक के केस में बढ़ जाती है यहाँ पर. तो जो स्कैंडियम से प्लस टू कॉपर तक कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, इससे कोई क्वेश्चन में नहीं बनते बच्चों, ये सिर्फ नॉलेज के लिए लिखना है. लेकिन जिंक प्लस टू की इंक्रीज हो जाती है, इसका कारण है कि दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी जिंक के पास 3d में कितने बचेंगे, 10. बना लीजिए स्टार लगा के ऐसे इसको बेटा. ये अभी इसके पहले हमने रेडियस निकाली थी.